चलते हैं एक छोटे से कट पीस की ओर। नाम ठीक से सुन नहीं पाई, बरेली की निवासी है,
अच्छा, ये सुमित जी की मम्मी ओमी जी की ओर से, इस बरेली की निवासी है वो, कटरा चांद का, कटरा की निवासी, उनकी ओर से 54 मुद्राएं प्रदान हुई है। सार से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। कहा के काम संत का छोड़ करके करते गलत है काम, के राम रहीम वा राम पाल के, राम रहीम वा राम पाल के संग में आशाराम, के राम रहीम वा राम पाल के संग में आशाराम, धर्म के बड़े धुरंधर, धर्म के बड़े धुरंधर पहुंच गए जेल के अंदर। क्योंकि बाबा राम रहीम, राम पाल, आशा राम और एक सीतापुर में पकड़े गए थे रामदास बाबा जी। अब आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जिनके नाम के आगे लगा है राम, वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। वो राम जो त्रेता युग में एक पत्नी व्रतधारी थे, और आज के राम हर कन्या के पीछे भाग रहे हैं। आज के बाबाओं को क्या चाहिए, एक लोटा, एक कमंडल, एक सोटा और एक कुटिया। अच्छा, एक कुटिया, एक लंगुटिया, एक लुटिया। आज के बाबाओं को सिर्फ इतना ही चाहिए, लेकिन आजकल के बाबाओं की हिस्ट्री उठाकर देखिए तो बाकायदा वो करोड़ों और अरबपतियों में उनकी गिनती हो रही है। एक फिल्म बना रहे हैं, एसी की एसी कैसी करेंगे। के राम रहीम वा राम पाल के संग में आशा राम, धर्म के बड़े धुरंधर पहुंच गए जाता है। अब दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, तो मेरा दोनों पार्टियों से सादर अनुरोध है कि 35-35 मिनट का समय सही रहेगा ना, तो दोनों पार्टियों 35-35 मिनट का समय दिया जा रहा है, और आशा है कि सारी रात हम लोगों को आनंद आएगा। 35 मिनट में ही अपनी कटपीस और अपना जवाब को चाहे लंबा ना दें, उनको कटपीस का दोहराए, जैसे मान लीजिए उन्हें कटपीस गई, आप उस कटपीस को ना दोहरा कर उसका जवाब दें, ऐसे ही वो कटपीस को ना दोहराकर आपका जवाब दें, तो कटपीस का समय जो है वो बच जाएगा। ठीक है, समय 35 मिनट, समय 35 मिनट में ही आपको अपना कार्यक्रम लेना है। और चूंकि कार्यक्रम जो पहला राउंड था, तो थोड़ा सा चूंकि अभी जो सब लोग कह रहे हैं कि जवाबी जागरण हो रहा है, क्या हाँ जवाबी हो रहा है, तो सभी को ये पता लग जाएगी ये जवाबी हो रहा है, आचार्य जी से ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ उठो ना जेपी जी, अगर गुमनाम है कोई, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए। रोहित जी, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं इनका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए, आपसा घनश्याम मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ परम आदरणीय गुरुदेव से अनुरोध करूंगा ये अपना दूसरा राउंड प्रारंभ करें। बहुत सुंदर चक्र सुना, हाँ उससे भी अच्छे उनके पीछे वालों को देखा भी। बिल्कुल टीवी
सीरियल देख हेलो भैया आइए दादा ने कहा है कि लगे कि जवाबी हो रहा है तो बिल्कुल लगेगा कि जवाबी हो रहा है कि मोहब्बत की तड़प एहसास भी मुश्किल से मिलता है मिलता है मिलता है छोटू भैया कि मोहब्बत की तड़प एहसास भी मुश्किल से मिलता है और सबक इंसानियत का आपकी महफिल से मिलता है मिलता है मैं जब तूफान में गिरकर तुम्हें आवाज देता हूँ मैं जब तूफान में गिरकर तुम्हें आवाज देता हूँ तो सफीना खुद ब खुद आकर मेरा साहिल से मिलता है ये बात और की झुका श्रद्धा के झुका श्रद्धा से दे आकर के कदमों में तू अपना सर क्योंकि जो दिल से मांगता है बस उसी को दिल से मिलता है जो दिल से मांगता है बस उसी को दिल से मिलता है बड़े सुंदर से भाव आपने दीप बाला जी के द्वारा सुने सुने प्रथम चक्र था मैंने प्रयास किया कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जिससे रास्ता मिले कि हम लोग आगे कैसे चलेंगे तो मैंने नए और पुराना संगम दोनों गाने का प्रयास किया और दीप बाला जी कह रही है कि दादा आपने हमें ये बहुत अच्छा किया कि आपने हमें याद दिला दिया दीप बाला जी आपने बड़ा कहा है और हम आपसे उम्र में बड़े भी हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको याद दिलाएं ऐसे आपको बहुत मिले होंगे जो कहते होंगे हम आपको भुला देंगे गाना भुला देंगे लिखना भुला देंगे लेकिन आपने कहा है तो हम आपको याद दिला देंगे याद दिला देंगे और आप विश्वास रखिए आज कौन सी तिथि थी छठी और इस छठी से लेकर उस छठी तक याद दिलाएंगे याद दिला देंगे बस हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे ही हंसते हंसाते कुछ याद आता जाए कुछ भूल गए हो वो याद आ जाए बिल्कुल छठी है बिल्कुल बटी है मिठाई आपने कहा दौरे को में जिंदगी से उतर क्यों नहीं जाते पापा की बात भी याद आ गई और मैं उस पावन पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो आपके पिताश्री स्वर्गीय देश प्रेमी जी बहुत नेक इंसान बहुत अच्छे शायर बहुत विद्वान थे मेरा जब आपकी बड़ी बहन क्रांति माला जी के साथ जब दो तीन कार्यक्रम हो चुके थे जब वो इस दुनिया में थे बड़ा स्नेह हमें मिला उनसे मैं आज भी उनकी पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ और उनसे ये आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आपकी बेटी आपके बताए हुए रास्ते पर आगे चले इसीलिए कह रहा हूँ गुरु कि हर इल्जाम का हकदार वो हमें बना जाते हर खता की सजा वो हमें सुना जाते अच्छा और वो हम हर बार खामोश ही रह जाते क्योंकि वो अपना होने का एहसास करा जाते दीप बाला जी हम तो सिर्फ आज के दौर में जो दीपक भैया अब देखिए कितने कितने ऐसा अजब संयोग है मैंने कह दिया कि दीप दीपावली गई है लेकिन दीप माला आई है
और दीप माला अकेली नहीं है, उनके साथ मेरे भाई एक और दीपक है। मैं चाहूंगा कि दीपक नादान हरदोई जी ये उनके मंच पर है, एक बार आप लोग उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। अब बताइए चारों तरफ दीपक दीप माला हो तो कहां तक प्रकाश नहीं होगा। चलिए ये संयोग है कि हम लोग माँ के दरबार में मिल रहे हैं। हम तो केवल कभी कभी इस बातों का एहसास कर लेते हैं कि क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्योंकि रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, और साथ से तोड़े गए फूल ने मुस्का के कहा कि अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, सबसे अच्छा फूल पहले तोड़ा जाता है। जेपी भैया गीत इधर से गाया गया, एक कटपीस गाया गया, दोनों का ही जवाब हर कलाकार करता है, वैसा आपने भी किया। बाबा बजरंगबली का जो महिमा मंडन मैंने किया आपने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि दीपक भैया ने कहा है, वो सॉरी जेपी पटेल भैया ने कहा है कि उसको दोहराना नहीं है, तो बिल्कुल हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। मैंने लिख लिया था, दीपमाला जी ने कह दिया कि लोग हनीप्रीत को ले आते हैं, चलिए वो पंक्ति लिखी है लेकिन हम गवेगी नहीं। अब आप सीधी सीधी दो पंक्तियां सुन लीजिएगा। स्वर्ग से सुंदर छोड़ करके मैंने प्रयास कर दिया है, वो लिखा है जैसा वैसा गा रहा हूं, आपने गा दिया। धर्म के बने धुरंधर पहुंच गए जेल के अंदर, धर्म के बने धुरंधर पहुंच गए जेल के अंदर, धर्म के बने धुरंधर पहुंच गए जेल के अंदर। देश दीप माला जी, देश वैदिक देश है, वैदिक संस्कृति को मानने वाला देश है ये देश, स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद जैसे संतों का देश है। कि क्या हुआ जब कुछ संतों ने और हम तो उन्हें संत कह ही नहीं सकते, क्यों कैसी कलयुग की है कहानी, कैसे कैसे काम, केवल दो पंक्तियां गानी है जवाब की, हनीप्रीत लिखी रखी थी उन्हें छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। अरे कैसी कलयुग की है कहानी, कैसे कैसे काम, और बगल में छुरी रखे हैं फिर भी जपते राम राम। इतना ध्यान रखना दादा, आप लोगों से कहना है हाँ, हाथ में हो गोम की माला सदा फिरती रहे, नम्र ऊपर से लगे अंदर छुरी चलती रहे, कि बगल में छुरी रखे हैं और ये मुख से जपे, ये मुख से जपे राम का नाम। है साक्षी धरनी अंबर, है साक्षी अबनी अंबर, अरे क्या हुआ हनीप्रीत को छोड़ दिया तो एक और है, एक और है, है साक्षी अबनी अंबर और
साक्षी धरनी अंबर और अवराध है माँ जप करके हम लोग कहते हैं कि राधे नाम सारे संसार में सब कुछ सार है, लेकिन उसी नाम वाली एक राधे माँ ऐसी हुई जिन्होंने क्या किया। कैसी कलयुग की है कहानी, कैसे कैसे काम, और बगलों में छुरी रखे हैं और मुख से जपे राम का नाम। साक्षी अवनी अंबर है, साक्षी अवनी अंबर और अवराध है।